नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप 21 से लेकर 30 का स्क्वायर जो है आसानी से याद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक शानदार ट्रिक इसकी मदद से जो है कि आप एक बार में ही जो है 21 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ पहले क्या है वो ट्रिक। उसके लिए सबसे पहले मैं टेबल इसका बना लेता हूँ 21 से 30 का। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है 841 और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो इसमें जो है कि इन सारे सबके स्क्वायर में एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगा। आप जो है 21 का स्क्वायर आप देखेंगे और 29 का स्क्वायर देखेंगे, तो इन दोनों में जो है कि 41 जो है लास्ट के 2 डिजिट जो है कि वो कॉमन आ रहे हैं, कॉमन या एक जैसे हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर आप जो है 22 का स्क्वायर देखेंगे और 28 का स्क्वायर, तो इन दोनों में देखेंगे आप तो लास्ट के 2 डिजिट जो है कि वो सेम है, 84 84। और उस तरह से आप फिर जो है 23 का स्क्वायर आप देखेंगे और फिर 27 का स्क्वायर, तो इन दोनों में जो है 29 29, ये लास्ट के 2 डिजिट जो है कि वो सेम आ रहे हैं। और फिर आप 24 का स्क्वायर और 26 का देखेंगे तो लास्ट में 76 76, इन दोनों में जो है कि सेम आ रहा है। तो इस तरह से इस ट्रिक से जो है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि 21 और 29 इन दोनों का लास्ट के 2 डिजिट जो है कि वो सेम है, फिर 22 और 28 का जो है 84 दोनों में सेम है, और फिर उसी तरह से 23 में और 27 में इन दोनों में जो है कि 29 लास्ट के 2 डिजिट जो है वो सेम है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। एक सिंपल सा बस ट्रिक है, आपको बस याद रखना है कि 22 में कौन से लास्ट के 2 डिजिट सेम है, 22 का किससे मैच कर रहा है, 23 का किससे मैच कर रहा है, 24 का किससे मैच कर रहा है। तो ये चीज़ जो है कि आप इस तरह से मैच करा के याद कर सकते हैं। एक बार में ही आपको पूरा ये 21 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर का टेबल आपको आराम से याद हो जाएगा।